दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अंडररेटेड चीज कॉन्फिडेंस है? जी हाँ, कॉन्फिडेंस के बारे में हम सब जानते हैं पर कभी उस पर चर्चा नहीं करते। इस हार जीत की दुनिया में कॉन्फिडेंस का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना जरूरी है। इंसान को जैसे खाना पीना सोना जरूरी है, वैसे ही राइट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होना भी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस सिर्फ आप कैसे बात करते हैं या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं इतना ही नहीं होता, बल्कि आप दूसरे लोगों से कैसे संबंध बनाए रखते हो, ये भी आपके कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आज आप सुन रहे हैं द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, जिसे लिखा है डॉक्टर रॉब यंग ने और जिसको अडेप्ट किया है सागर खांडेकर ने। ये किताब डॉक्टर रॉब यंग ने लिखी है, जो कि एक जाने माने ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट और एक बिजनेस स्पीकर भी हैं। वर्ल्ड की कई सारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। वो कॉन्फिडेंस को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। रॉब कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को परखना सीखो। 1 से 10 की स्केल में आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रेट करें। अगर आप अपने घर से बाहर निकलने से भी हिचकिचाते हैं, ऑफिस में ठीक से दोस्त नहीं बना पाते, अपने पुराने दोस्तों से भी आपका मिलना जुलने का मन नहीं करता, तो आप अपने आप को 1 रेटिंग देंगे। मगर दूसरी तरफ अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हैं, जो जैसा मन चाहे जी चाहे वैसा करे, अपने दिल की बातें सुनकर अपने ही दम पे कदम बढ़ा रहा हो, तो आप अपने आप को 10 की रेटिंग दे सकते हैं। रॉब का ऐसा मानना है कि अगर आप खुद को 1 ही रेटिंग देते हैं तो आपको अच्छी संगत की बहुत जरूरत है। इतना लो कॉन्फिडेंस होने से आप जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और वो कहते हैं ना कि 10 की रेटिंग होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। 10 की रेटिंग यानी आप में कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, तो वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बन सकता है। दोस्त, आपने अपने ऑफिस में दोस्तों को देखा होगा कि कई लोग अपने ही मनमानी करते हैं और वो जो जो करते हैं उन्हें सब सही लगता है कि मैं तो भाई ऐसे ही करूं। अब ऐसे लोगों को अगर आप बदलना भी चाहें तो आप बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने ही गली के सिकंदर होते हैं। वो बदलना ही नहीं चाहते, किसी और की एडवाइस वो एक कान से सुनते हैं मगर दूसरे कान से तुरंत अलविदा भी कर देते हैं। रॉब कहते हैं कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदगी में खुद को इम्प्रूव और ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोग अक्सर शब्दों से नहीं बदलते, उन्हें हाथों की जरूरत होती है। जब तक कुल्हाड़ी अपने पैरों पे नहीं मार लेंगे, ठोकर नहीं खा लेते, तब तक इनके बर्ताव में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप ये बात तो जान गए कि दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। रॉब कहते हैं कि आप में थोड़ा बहुत डर होना स्वाभाविक है, तो अपना कॉन्फिडेंट लेवल 1 या 10 पे होने से अच्छा वो 5 से 7 के बीच हो तो जिंदगी बेहतर कट सकती है। दोस्तों, आप बेझिझक होकर बैठिए दोस्तों, क्योंकि इस समरी में सही गलत के मायने और फायदे सब बताए गए। रॉब इस किताब के जरिए आपको अपने अंदर के शेर को जगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो बदल सकता है अगर आप बदल जाएं तो। क्योंकि याद रखना, जो कुछ भी हो ये सब दिमाग का खेल है। आपका दिमाग आपसे कई आगे की सोचता है, वो आपको बेहतर बनाना चाहता है, आपको जिंदगी की समझ देना चाहता है। आपका दिमाग अपनी आगे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ डर सभी के बारे में सोचता है। पर कुछ लोग ज्यादा ही पॉजिटिव या ज्यादा ही नेगेटिव होते हैं, तो उसके अनुसार सोच भी बदल सकती है। कोई ज्यादा डरता है तो कोई ज्यादा ही अच्छा सोचता है। रॉब कहते हैं कि ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सब दिमाग का खेल है और आपका दिमाग आपसे बढ़कर नहीं है। आप अपने हरकतों से उसे एक दिशा दे सकते हो। अपना कॉन्फिडेंस अपनी कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने ब्रेन को मोल्ड कर सकते हो। अपने बारे में जब आप अच्छा बोलते हो तब आप अपने बारे में अच्छा सोचने भी लग जाते हो। इस किताब में कई सारी ऐसी टेक्निक्स और ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस की दुनिया समझ पाओगे। रॉब ने इस किताब को हमें कॉन्फिडेंस से भर देने के लिए लिखा है। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा सकते हैं, अपनी सोच कंट्रोल में रखकर आप कैसे पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस के पन्नों को समझकर आप अपनी जिंदगी कैसे रंगीन बना सकते हैं, हमारे भीतर हो रहे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, उन प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है हम ये सीखेंगे, अपने रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस से कैसे हैंडल किया जा सकता है और इन्हीं रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुल बनाने के तरीके भी हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के जरिए जानेंगे। बचपन में अक्सर जब हम मासूम हुआ करते थे कि कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा होगा, हम तो कैसे भी रहते थे, कैसे भी खाते थे, जो दिल किया वो करते थे। अगर आइसक्रीम खानी होती थी तो हमें अपनी मम्मी को कैसे मनाना है ये भी आता था ना। अगर क्रिकेट खेलते वक्त हमें बैटिंग करनी होती थी तो अपने दोस्तों को हम मना ही लेते थे, वो तो बचपना था दोस्तों। पर अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत सोचते हैं, हमारा बचपना भाग चुका है, हम डर डर के जीते हैं, बहुत ही सेफ खेलते हैं। पर अब ये सब नहीं होगा, धीरे धीरे ही क्यों ना हो, पर अंदर के डर को मिटाना होगा। कॉन्फिडेंस को अपने जिंदगी में बेस्ट फ्रेंड बनाकर आपको अपने दिमाग को बेहतर करना होगा। नन्हे मुन्ने से थे तब कैसे खुले परिंदों की तरह जीते थे हम, अब कॉन्फिडेंस के जरिए हम उसी बचपन को जगाना चाहेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस जाने माने सफर पर, शुरू करते हैं ये चर्चा।
हमारी दुनिया में लोग कई मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो डर डर के जीने लगते हैं। डॉक्टर रॉब यंग कहते हैं कि वो अपने हर किसी पेशेंट को थेरेपी सजेस्ट करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि बातें करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, आप स्ट्रांग इंसान बनने लगते हो। जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो तब आप शांत महसूस करते हो, आपको सुकून मिलता है। इसीलिए थेरेपी आपकी जिंदगी में बहुत आवश्यक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा ही लो है तो आप थेरेपी लेने से हिचकिचाना मत। थेरेपी से आप बेहतरी महसूस करोगे। पर इस दुनिया में सब डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते। कई लोग बस अपने फायदे की सोचते हैं। किसी इंसान को सही दवाई देकर उसका प्रॉपर इलाज करने से अच्छा वो उन्हें महंगी दवाइयां और ट्रीटमेंट लेने की राय देते हैं। चलिए अब थेरेपी की दुनिया का एक एग्जांपल देखते हैं। जैक का कॉन्फिडेंस बहुत लो था। वो अपने ऑफिस में अपनी टीम से भी ठीक से बात नहीं कर पाते थे। प्रेजेंटेशन के वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में वो हिचकिचाते थे। वो बहुत एंग्जियस होने लगे। इसी वजह से एक दिन उन्होंने थेरेपी लेने की ठान ली। फिर डॉक्टर डोरोथी ने जैक की सारी बातें सुनी और उसे शांत बैठने के लिए कहा। जैक अपनी आंखें बंद कर सोफे पर आराम से बैठ गया। फिर डॉक्टर डोरोथी ने जैक के लिए म्यूजिक प्ले किया। इस म्यूजिक में नेचर की आवाजें थी, बारिश हो रही थी, पंछी गुनगुना रहे थे। इससे जैक की सोचने की स्पीड शांत हो गई। साथ ही साथ डॉक्टर ने उसे अपनी बाई हाथ की इंडेक्स फिंगर से अपने दाएं हाथ के वेस्ट पर टैप करने के लिए कहा। लगभग एक घंटे तक जैक अपने हाथों पर टैप करते करते म्यूजिक सुनता रहा। डॉक्टर डोरोथी ने जैक से कहा कि हाथ पर टैप करने से हम शांत हो जाते हैं, प्रॉपर फोकस करने लगते हैं। अब रॉब इस एग्जांपल में हमें कहना चाहते हैं कि हर कोई चीज जो आपका थेरेपिस्ट आपसे कहे वो सच नहीं होती। जैक को एक घंटे बाद शांति तो मिली पर अब उसे लगा कि वो हाथ पर टैप करने से मिलती है। रॉब कहते हैं कि ये थ्योरी गलत है। थेरेपी में म्यूजिक बेहतर फील कराता है, कोई उंगली नहीं। आजकल के डॉक्टर्स को थेरेपी का टी तक नहीं पता और चले आए डॉक्टर बनने। थेरेपी एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का सब्जेक्ट है। कोई भी ऐरा गहरा इंसान एक डिग्री से थेरेपिस्ट नहीं बन जाता, उन्हें भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। सिर्फ किताब में दिए गए तौर तरीकों से जिंदगी बेहतर नहीं बनती दोस्तों, एक पेशेंट को दिल से समझना भी जरूरी होता है ना। रॉब कहते हैं कि थेरेपी एक कला है पर हमारी मॉडर्न दुनिया में ये कला मामूली सी हो गई है, इसकी वैल्यू समझना बहुत मुश्किल हो गया है। रॉब इस किताब के जरिए आपको थेरेपी का महत्व समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि थेरेपी में जो जो टेक्निक्स यूज होती हैं उन सब टेक्निक्स को सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। किसी किताब में लिखी गई टेक्निक भी वैलिड है पर अगर डॉक्टर्स को पता करना हो कि कोई टेक्निक सही है कि नहीं तो उन्हें वो टेस्ट करनी पड़ती है। अब हाथ पे उंगली से टैप करने वाली टेक्निक को ही पकड़ लो। डॉक्टर्स अगर इस टेक्निक को टेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। अक्सर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 100 लोगों को बुलाते हैं। टोटल 2 रूम्स होते हैं, 50 लोग एक रूम में बैठे म्यूजिक सुनते हैं, नेचर के साउंड सुनते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग पूरे 1 घंटे के लिए सिर्फ हाथ पर टैप करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद उन लोगों की टेस्टिंग होती है, उनसे कई सारे सवाल किए जाते हैं जिनसे डॉक्टर्स को पता चलता है कि उनका करंट स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। प्रॉपर एविडेंस के बिना टेक्निक को आजमाना सही बात नहीं है, इससे आप उस पेशेंट का मजाक ही उड़ा रहे हो। डॉक्टर रॉब खुद अपने पेशेंट्स को वही टेक्निक सजेस्ट करते हैं जो कि साइंस से अप्रूव्ड हो। ये किताब एक्सपेरिमेंट्स और ऐसा कई सारे एग्जांपल से भरी हुई है जिससे आपको अच्छी सलाह मिलेगी। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर को कंट्रोल में करने के लिए आपको कई सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आप नई नई टेक्निक्स को यूज कर अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। आगे जाकर हम इस समरी में यही जानेंगे कि कॉन्फिडेंस कितना आवश्यक है। आप अपना कॉन्फिडेंस कंट्रोल में रखना सीखेंगे और उस कॉन्फिडेंस के जरिए अपनी लाइफ में बेहतर कैसे बनाना है ये भी जानेंगे। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ को बैलेंस रखना चाहते हैं। अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, डांसर हो और आप परफॉर्म करते समय अपना बेस्ट देना चाहते हो तो ये समरी आप ही के लिए। अगर आपको अपना खुद का बिजनेस चालू करना है पर आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हो, आपको लगता है कि आप में उतना जज्बा नहीं है, तो आप ये सुनते रहिए। पर उस जज्बे को हमेशा जगाए कैसे रखना है ये जानने के लिए हमें मुलाकात करनी होगी अगले एपिसोड में। हमें कॉन्फिडेंस के नतीजे को समझना और उससे सुलझाना बहुत जरूरी है। क्या आपका कोई दोस्त बहुत इमोशनल है? वो बहुत छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर रोने लगता है? कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों के बीच डिफरेंस नहीं देख पाते। ऑफिस में अगर आपके बॉस ने आपके काम के बारे में बुरा कह दिया तो आप उसे पर्सनली लेने लगते हो। कभी दोस्तों के साथ होकर अगर किसी ने आपका मजाक उड़ाया तो आप नाराज हो जाते हो। आप नाराजगी दिखाते नहीं पर अकेले में सफर करते समय जब आप खुद पर हुए मजाक या इंसल्ट के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस लो है। आपको बुरा लगता है पर आप दिखाते नहीं, आपके चेहरे पे नाराजगी की एक बूंद तक नजर नहीं आती।
इसीलिए कॉन्फिडेंस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं डॉक्टर रॉब यंग की लिखी हुई द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको अडैप्ट किया है सागर खांडेकर ने। आज हम जानेंगे ह्यूमन बिहेवियर के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स से ये पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली कैसा है। क्या आप वो इंसान हो जो पब्लिक में कॉन्फिडेंट है पर अकेले में अपने पर्सनल रिलेशनशिप संभाल नहीं पा रहे, या फिर आप वो हो जो तौर तरीकों से किसी भी चीज की किस्मत को पलट सकता है। डॉक्टर रॉब कॉन्फिडेंस को दो सिलेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक है इनवर्ड इमोशनल कॉन्फिडेंस और दूसरा है आउटवर्ड सोशल कॉन्फिडेंस। रॉब मानते हैं कि कॉन्फिडेंट दिखना और कॉन्फिडेंट होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप इनमें से दोनों चीजें कर सकते हैं, पर कभी कभी जिंदगी में संकट आने से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपको अगर पब्लिक में कॉन्फिडेंट रहना है और ठीक से बोलना नहीं आता तो शायद आप सोशली कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है। आपको एंजाइटी और पैनिक से भरे हुए हैं। आप हमेशा छोटी छोटी बातों पे बहुत सोचने लगते हैं, ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। इससे आपकी स्किल्स तो छोड़ो, आप अपनी लाइफ में बेसिक चीजें भी अचीव नहीं कर पाते। ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ा रीजन होता है कॉन्फिडेंस कम होने का। लोग क्या कहेंगे, ये सुनने में सबके सामने अच्छा कैसे नजर आ सकता हूं मैं, मेरी जॉब चली गई तो, मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, ये सारी चीजें बेतुकी हैं। इनके बारे में सोचकर आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर पीछे पड़ जाते हैं। कोई ना कोई चीज हमें दुख पहुंचाती ही है, चाहे वो किसी ने किया मजाक या अपने पास से जुड़ी कोई सैड बात। इस किताब में डॉक्टर रॉब ने कहा है कि आप चिंता ना करें, मैं आपको सबसे अच्छी सलाह दूंगा। कॉन्फिडेंस के फायदे, मायने, नतीजे, इरादे जानकर आप में उम्मीद पैदा हो जाएगी। दूसरी तरफ रॉब भी ऐसा ही कहते हैं। कॉन्फिडेंस को लोग कई और नामों से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे सेल्फ एस्टीम कहते हैं, तो कुछ इसे साइकोलॉजिकल वेलबींग, ऑप्टिमिज्म या सेल्फ एफिशिएंसी भी कहते हैं। पर आपको कॉन्फिडेंस के अलग अलग नाम जानने से अच्छा कॉन्फिडेंस को समझना जरूरी है। इनवर्ड इमोशनल कॉन्फिडेंस और आउटवर्ड सोशल कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स को आप ध्यान से समझ लो। आगे जाकर इस किताब में हम अपने इमोशनल कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना सीखेंगे, जिससे आप छोटी छोटी बातों पर रोना या ओवरथिंक करना छोड़ देंगे। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की सलाह डॉक्टर रॉब यंग देते हैं। अपना आउटवर्ड सोशल कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करने से आप खुद अपनी स्किल्स, स्ट्रेटजीज और एटीट्यूड को मोल्ड कर आप खुद को इनहेंस कर सकोगे। सोशल कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होने से आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ऐसे शांत बैठे कुछ नहीं होने वाला, बाहर निकलकर लोगों से फ्री होकर बात करिए। अपने और उनके बिजनेस की बात करेंगे तो नेटवर्क बनेगा। जब आपका इंप्रेशन अच्छा होगा तब लोग आपके बिजनेस से भी अट्रैक्ट होंगे। रॉब पहले चैप्टर में यही कहते हैं कि पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, आपकी लाइफ में कितने ही ऐसे लोग हैं जो आपको याद रहते हैं। उन दोस्तों या रिश्तेदारों से आप भले ही आज बात न करते हो, पर उनका चरित्र आपको इम्प्रेस करता है। उनकी पर्सनालिटी लोगों के बीच छा जाती है। कुछ लोग अच्छे एटीट्यूड होने के कारण आपके दोस्त भी बन जाते हैं। कईयों का तो एटीट्यूड और नेचर एकदम अग्रेसिव भी होता है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, पर वो जिस तरीके से गुस्सा करते हैं शायद हमें वो बड़ा मजेदार लगता है, और इसी कारण हम उन्हें याद रखते हैं। दोस्तों, इन दोनों एग्जांपल्स में कॉमन क्या है आप जान सकते हो? कॉन्फिडेंस। जी हाँ, उन्हें खुद पर भरोसा था। वो जो भी कर रहे थे और करना चाहते थे उन्होंने वो ही किया। कोई अगर किसी से अच्छा बर्ताव कर रहा है, यानी उसके संस्कार हो वैसे, और वो बिना हिचकिचाए बड़े ही नरमी से लोगों से बात करे, उन्हें अच्छा फील कराता है। तो दूसरी तरफ कोई अगर ज्यादा ही गुस्सा करता हो तो हम कभी उसके दोस्त नहीं बनेंगे। पर वो जो भी करता है वो सच्चे दिल से करता है। वो अट्रैक्शन पाने के लिए गुस्सा नहीं करता। वो पहले से ही ऐसा है, गुस्सैल है, इसीलिए वो हमेशा गुस्सा करता है। इस दुनिया से डर के वो भोला इंसान नहीं बना। दोस्तों, क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इनर सेल्फ की, ओवर थिंकिंग की। ऊपर का एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस के नजरिए से थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर मैं जो कहना चाहता हूँ उस पॉइंट को समझिए। जो आदमी बाहर गुस्सा करता है, उसने शायद कुछ गलत होते देखा हो, तो उसका जो मन हुआ उसने वो सामने खड़े इंसान को कह दिया। फिर हो सकता है कि घर जाकर उसे कॉल कर माफी भी मांगे। पर समझना यह है कि उसे पहले गुस्सा आया था तो वो चुप नहीं रहा। उसने वहीं सभी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स और डाउट्स को टैकल किया। गलती इसकी हो या उसकी, उस वक्त उसे जो सही लगा उसने वो किया। फिर बाद में घर जाकर उसने ये नहीं सोचा कि यार शायद मैं आज इंसान को वहीं के वहीं चुप कर देता तो फिर शायद ऐसा नहीं करता वो। कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो, पर आगे बढ़ना जरूरी है। हम ओवर थिंक करके चीजों को मतलब खो देते हैं। अपने अंदर की आवाज पे ध्यान दीजिए, अपने दिल को सुने।
इंस्टिंक्ट्स और अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखिए। अगर खुद पे भरोसा होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी और अगर आपके ओपिनियंस में दम होगा तो आप जो कहोगे लोग वो सुनेंगे और बातचीत करेंगे। इसी कॉन्फिडेंस के मुद्दे पर जानेंगे कि इमोशनली स्ट्रांग इंसान बनने के लिए एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस पाना है तो वो आसान बात नहीं है, पर वो मुश्किल भी नहीं है। धीरे धीरे डेली लाइफ में बिहेवियर में छोटे मोटे चेंजेस कर आप कॉन्फिडेंस की जड़ मजबूत कर सकते हैं, और अगले एपिसोड में हम इसी जड़ की मजबूती पर चर्चा करेंगे। एक बात बताओ दोस्तों, हम सब लोग मिलकर रियलिटी टीवी शोज क्यों देखते हैं? क्यों हम अक्सर इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस और एक्स फैक्टर जैसे शोज को देखते वक्त इंजॉय करते हैं? ऐसी क्या चीज है इन सब शोज में जो बाकियों में नहीं है? इन शोज में तो भरा होता है ड्रामा और ओवर एक्टिंग। हम देखते वक्त पता चलता है कि ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा फेक तो है, पर फिर भी हम इसे देखते रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास बात है ओवर कॉन्फिडेंस में जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है? कोई जादुई राज है क्या, या एक सिंपल साइकोलॉजिकल तरकीब? चलिए चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दिवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं डॉक्टर रॉब यंग की लिखी हुई द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, जिसे अडॉप्ट किया है सागर खांडेकर ने। डॉक्टर रॉब इस किताब से कहना चाहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर इग्नोर हो जाता है। हमें पता होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, पर हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम उसके ऊपर कभी इतना सोचते ही नहीं। ये सारे एंटरटेनमेंट शोज हैं और इनका काम ही आपको एंटरटेन और एंगेज करना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अक्षय नाम का लड़का गाना गाने स्टेज पर आता है। वो बड़ी ही शौक से अपने ही अंदाज में अपना नाम बताता है और उसका अंदाज देख कर ही लोगों की हंसी छूट जाती है, पर सामने बैठे जजेस सीधा मुंह पर उसे इंसल्ट नहीं करते, बल्कि वो भी इस सर्कस का पार्ट हो जाते हैं। वो भी अक्षय की हाँ में हाँ मिलाकर उसे बढ़ावा देते हैं। अक्षय खुश होकर अपना गाना गाना शुरू करता है। उसकी आवाज इतनी बेसुरी होती है कि लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। सामने बैठे जजेस भी आपस में अक्षय पर ताने मारने लगते हैं, पर अक्षय अपनी आवाज बेसुरी होते हुए भी क्यों इतना गा रहा है? दोस्तों, अक्षय बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। वो अपने आप को कुछ अलग ही नजरिए से देखता है। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अपनी ही गली का राजा है। हम इन लोगों को जोकर समझते हैं। इन जोकरों को देखकर हमें खुशी भी मिलती है, हमारा मूड बनता है। हम उस इंसान का सरेआम मजाक उड़ाने में भी हिचकिचा नहीं पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट लोगों की बात ही कुछ ऐसी होती है। वो अक्सर इंटरटेनिंग होते हैं। उन्हें देखकर कहीं ना कहीं हम हंस पड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सोच इनके जैसी नहीं है। हम कभी भी अपनी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, पर रॉब कहते हैं कि ये सच नहीं है। हम में भी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भरा होता है, और वो ऐसे फूट फूट के बाहर कभी नहीं जाता। हमारे समाज में अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो क्यों है, बल्कि असल राज ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर नजर आता है, पर हमारा उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है ना ये सोचकर कि हमारी जिंदगी में भी ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। हम बातों बातों में खेलते खेलते कभी कभी कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारे काबिल भी नहीं होता। जैसे आप किसी को अगर सलाह देते हैं तो वहां शायद आपका ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ जाता है। अगर आपका कोई दोस्त किसी चीज में कामयाब नहीं होता, तभी आप ज्यादा अच्छा फील करने लगते हो, ये सोच कर कि शायद मैं उसकी जगह पर होता तो बेहतर परफॉर्म कर पाता। छोटी छोटी चीजों में अगर आप अपना बिहेवियर नोटिस करोगे, तभी शायद आपको अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने बिहेवियर को भी नोटिस किया करिए। इससे आप अपने आप को बेहतर समझ पाओगे। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि हमें अपने आदतों को भी रेट करना चाहिए। आप किसी कागज पर सेक्शंस बनाइए। उन सेक्शंस में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज सेक्शन में आप 100 में से खुद को कितने परसेंटेज देंगे? 10, 20, 50, 90, कितने? आप कई सारे सेक्शंस इस कागज पर बनाकर अपने आप को परख सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपने आप को रेट कर ही रहे हैं बैठे बैठे मेंटली, तो नीचे कमेंट में भी लिख डालिए। जरा हम भी जाने कि हमारे लिसनर्स अपने आप को क्या समझते हैं। रॉब कहते हैं कि हम जब भी किसी भी चीज को लिख लेते हैं तब वो हमें याद हो जाती है। तो अगर आप अपने बिहेवियर को रेट करेंगे और अगर उनकी रेटिंग कम आई, तो शायद आप उससे नाराज भी हो सकते हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही रेट कर दें। इससे आपको अपनी ओवर कॉन्फिडेंस का भी अंदाजा लगभग आ ही जाएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। हमने ओवर कॉन्फिडेंस को बहुत ताने मार लिए, पर अगले एपिसोड में हम इसी ओवर कॉन्फिडेंस की खासियत को भी समझेंगे।
कॉन्फिडेंस के कुछ ऐसे एग्जांपल्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट करने लगोगे। कॉलेज में टीचर ने स्टूडेंट्स को अचानक से एक सरप्राइज टेस्ट दे दिया। टीचर ने सब स्टूडेंट्स को एक टॉपिक पर स्पीच देने के लिए कहा। सब स्टूडेंट्स थोड़े बेचैन हो गए। उनमें एक लड़का था रोहित। रोहित बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। उसके कॉलेज में उसने एक बार अपनी फुटबॉल टीम को हारने से बचा लिया था। अपने दम पर रोहित ने लगातार 3 गोल मारे और अपनी फुटबॉल टीम को जिता दिया। रोहित हमेशा से ही होशियार रहा था। उसके दोस्त कम थे पर उसकी हरकतें लोगों को अट्रैक्ट करती थी। उसमें जज्बा भरा था, उसका खून गर्म था, उसे जल्दी से गुस्सा भी आता था। पर अब टीचर ने जब स्टूडेंट्स को सरप्राइज टेस्ट दिया तब रोहित अपना हाथ उठाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। टीचर ने टॉपिक दिया था ग्लोबल वार्मिंग। रोहित को बस इतना पता था कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है और कैसे होता है ये सब उसे नहीं पता था, पर फिर भी उसने बिना सोचे हाथ उठा दिया। जैसे ही वो सबके सामने खड़ा हुआ तो वो बिल्कुल शांत पड़ गया। पहले 10 सेकंड तो क्लासरूम में खामोशी छाई हुई थी। फिर जाकर रोहित थोड़ा सोचने लगा और उसने धीरे धीरे खुद ही फिगर आउट कर लिया कि ग्लोबल और वार्मिंग इस शब्द के क्या अर्थ हो सकते हैं। सिंपली तो है, क्या मुश्किल है इस टॉपिक पर बात करना। कुछ वक्त गुजारा पर फिर जब रोहित ने बोलना शुरू किया तब सब ध्यान से सुनते रहे। सबको पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। लगभग 1 मिनट तक रोहित स्पीच देता रहा। जैसे ही स्पीच खत्म हुई सबने तालियां पीटी। रोहित खुश हुआ। अब क्लास के बाद टीचर ने रोहित से कहा कि तुमने बाकियों को कन्विंस कर दिया कि तुम्हें उसका जवाब पता है, पर तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुमने अपने ही मन से कुछ मीनिंग बनाकर उस टॉपिक पे स्पीच दे दी। तुम गलत नहीं बोल रहे थे पर तुम एकदम सही भी नहीं थे। फिर टीचर ने कहा कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया। तुम जिस तरीके से लोगों को अपने वश में कर लेते हो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हारी स्किल को तुम और बेहतर बना सकते हो। रोहित ये सुनकर खुश हुआ। उसने टीचर की सारी बातों पे सर झुकाकर कहा कि हाँ टीचर, आप बिल्कुल सही हो। मुझे ग्लोबल वार्मिंग का जी तक नहीं आता था, पर मैंने हाथ इसलिए नहीं उठाया कि मुझे ग्लोबल वार्मिंग की स्पीच देनी थी या बाकी स्टूडेंट्स के सामने होशियार दिखना था। मैंने हाथ इसलिए उठाया क्योंकि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई स्पीच नहीं दी थी। मैं हमेशा लोगों के सामने बात करने से डरता था, मेरे पसीने छूट जाते थे, पर मैंने आज ठान लिया था कि अपने डर को भगाना है। इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा और हाथ उठा दिया। ये सुनकर टीचर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी पहली स्पीच थी और वो भी इतनी अच्छी। अरे वाह, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। टीचर का कॉम्प्लीमेंट सुनकर रोहित बहुत खुश हुआ, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये सिर्फ उसके सीखने का जज्बा नहीं बल्कि उसके अंदर बसा ओवर कॉन्फिडेंस था। अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही आज उसे इतनी तालियां पड़ी, टीचर से कॉम्प्लीमेंट तक मिला। इस एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बुरा नहीं होता दोस्तों, उसके अपने भी फायदे होते हैं। कुछ लोग डर डर के जीते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ बन नहीं पाते और उन सब की वजह ये डर ही होता है। रोहित स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज में होशियार था पर कभी उसने ऐसी स्पीच नहीं दी थी। उसने बिना सोचे अपना हाथ उठाकर अपने दिल में बसी आग को और गर्म किया। रोहित जानता था कि वो अगर अपने आप को किसी सिचुएशन में डाल दे तो वो उस सिचुएशन का राजा बन सकता है। रोहित हमेशा सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी ऊंचाई को हासिल कर सकता है। अब असल जिंदगी में वो इतना इमोशनली स्ट्रांग तो नहीं है, पर उसके अंदर आग तो भरी है। वो लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कितना अच्छा है, वो लोगों से कितना बेहतर है। देखा जाए तो बाहर से ये एक बहुत बुरी और सेल्फिश बात लग सकती है, पर रोहित की जिंदगी को अगर परखा जाए तो उसने अब तक कई सारी ऐसी चीजों पर हाथ उठाया है कि अब वो अपने आप को और काबिल समझता है और उसके अंदर की आग अब और तेजी से जल रही है। उसका कॉन्फिडेंस अब कम नहीं हो सकता। तो इस एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होना कोई इतनी भी बुरी बात नहीं है जितना कि उसे बोला जाता है, बल्कि वो तो एक अच्छी बात है। अगर आप अपने अंदर के जज्बे को समझ पाए और उसको ठीक से चैनल कर पाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहां से कहां ले जा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। कॉन्फिडेंस की कोई बाउंड्रीज नहीं होती दोस्तों, पर कॉन्फिडेंस को ठीक से समझना जरूरी है। अगर आप अपनी ही धुन में कुछ भी करते चले जाएंगे तो लोग एक ना एक दिन आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचकर अपने आप को परखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली किस तरह के इंसान हो और फिर आप उसी दिशा में चलते चलते अपने कॉन्फिडेंस के साथ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना एक कला है दोस्तों, और यह कला सीखी जा सकती है अगर हम सही दिशा में सोच रहे हैं तो। इस दुनिया में कई कई लोग ऐसे होते हैं जो डर डर के जीते हैं, पर पब्लिक में उनका कॉन्फिडेंस बहुत होता है। वो लोगों के सामने एक अलग ही तरीके से बर्ताव करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी पर्सनैलिटी सब पे छा जाती है।
अब ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के ऊपर जो आपको कॉन्फिडेंट बनने के लिए मजबूर करेंगे। कॉन्फिडेंस को आप एक टूल की तरह देखेंगे, एक ऐसा टूल जो आपकी जिंदगी के पहियों को ठीक कर उसे गोल गोल घूम कर आगे बढ़ने की उम्मीद देता है। चलिए आइए चर्चा करते हैं कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में जो हमने हमारे आसपास देखी तो हैं, पर कभी उन्हें परखने का और समझने का वक्त नहीं मिला। आखिर कौन है वो? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इस पर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है। आप जैसे रहते हो, सोते हो, खाते हो, उन सब चीजों पर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आपको अपना कॉन्फिडेंस मोल्ड करने में मदद कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं डॉक्टर रॉब यंग की लिखी हुई द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, जिसे अडैप्ट किया है सागर खंडेकर ने। डॉक्टर रॉब अपने अगले एग्जाम्पल में कहते हैं कि दुनिया में लोग बहुत डर डर के जीते हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से भी उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में जाना कि कुछ लोग पब्लिक में ठीक से बोल नहीं पाते हैं, और अगर उन्हें कोई स्पीच देने के लिए कहा जाए तो वो बहुत ही हिचकिचाने लगते हैं, पर जब वो स्टेज के सामने बोलना शुरू करते हैं तो उनका डर भाग जाता है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि डर की पैदाइश ज्यादा सोचने से होती है, यानी कि ये सारा का सारा गेम आपके माइंडसेट के अंदर ही है। रॉब कहते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारे लिए लो कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। इस दूसरे एग्जाम्पल से हम कुछ और नया सीखेंगे। रवि एक बहुत ही जाना माना लॉयर था। 15 साल से वो गवर्नमेंट के लिए काम करता था, और काम करते समय एक्सपीरियंस उसका बढ़ता गया और साथ ही साथ उसका प्रमोशन भी होता गया। फिर देखते ही देखते लॉयर इंडस्ट्री में लोग उसे जानने लगे, उसे पहचानने लगे, उसके और उसके केसेस के बारे में चर्चा होने लगी। सरकारी लॉयर होकर उसने सभी तरह की केसेस को सॉल्व कर दिया, और आलम तो ये हो गया था जनाब कि जब रवि साहब कोर्ट में एंटर करते थे तब सबकी नजर उन पर ही पड़ जाती थी। कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद ना कर वो बड़े ही होशियारी से अपने केसेस सॉल्व कर पाता। पब्लिक में, पार्टीज में उसे बात करना बहुत पसंद था। वो लोगों के सामने बड़े ही कॉन्फिडेंस से बात कर पाता था, और ये बातें सिर्फ लॉयर इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होती थी। वो किसी भी मुद्दे पर कितनी भी देर तक बात कर सकता था। अपनी जिंदगी में कमाया एक्सपीरियंस वो खुलेआम अपने जूनियर्स को खुशी से बांटता था। जूनियर लॉयर्स रवि की बात सुनकर इन्फ्लुएंस हो जाते थे। रवि की बातों का असर उनके काम में भी दिखा। जूनियर्स रवि से बहुत मोटिवेट हो जाते थे। अब रवि की प्रोफेशनल लाइफ तो बड़े ही ऐशो आराम और इज्जत से चल रही थी, पर दिन भर काम कर रवि जब रात को घर आता था तब वो कहीं ना कहीं मायूस रहता था। उसकी बीवी ये मायूसी हमेशा नजरअंदाज कर देती थी। बीवी को लगता था कि शायद ये किसी काम का प्रेशर हो, क्योंकि रवि कभी कभी खुश रहते थे तो कभी कभी दुखी हो जाते थे। अब इसका मतलब तो ये किसी काम का ही प्रेशर होगा, ऐसा बीवी ने समझ लिया। पर फिर एक दिन कोर्ट रूम में रवि बेहोश हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मामला कुछ सीरियस नहीं था, उनकी सेहत ठीक ठाक ही थी, पर फिर डॉक्टर ने कहा था कि ये बेहोशी की वजह उनका स्ट्रेस है। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, अब ये काम का प्रेशर है या आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ये मुझे नहीं पता, पर अब आपको थोड़ा धीमे धीमे कदम बढ़ाने की मैं राय देता हूँ। आप घर जाकर थोड़ा आराम कीजिए और शांति से सोचिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर रवि की बीवी थोड़ा सोच में पड़ गई। उसे लगा कि शायद ये स्ट्रेस सिर्फ काम का नहीं है, क्योंकि रवि को तो 15 साल हो गए काम करते हुए और पिछले कुछ महीनों से ही उनका स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर जाकर रवि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और रवि घर पर कुछ दिन आराम करने के लिए रेस्ट करने लगे। रवि की बीवी ने उससे एक रात पूछ ही लिया कि आपकी ऐसी हालत की वजह क्या है जनाब, आप मुझे सही से बताइए, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब अपनी बीवी की बात सुनकर रवि चुप ना रह सके तो उन्होंने बताया। अपने मन में छुपाए सारे राज उन्होंने अपनी तिजोरी से बाहर निकाले और खुले हम अपनी बीवी को बता दिए। रवि ने कहा कि कई सालों से वही काम करते आ रहे हैं, वही लोग, वही काम, वही कोर्ट, बस इतनी जिंदगी हो गई है मेरी। कुछ नयापन ना होने की वजह से मैं कहीं ना कहीं जिंदगी से थक चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरी आजादी ही छीन ली। एक तरफ मैं अपने ही गली का राजा था, पर दूसरी तरफ मुझे वही गली अब सुनसान सी लगने लगी थी। लोग मेरे बारे में चर्चा तो कर रहे थे, पर अब लोगों की चर्चा सुनते सुनते 15 साल हो गए तो वो मेरे लिए कुछ नई बात नहीं थी। अब ये सब कहते कहते रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में एक नमी सी छा गई। फिर बड़े ही शांत आवाज में उसने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉयर बनने की चाह थी। लॉयर इंडस्ट्री में जब 5 साल पूरे हुए तब मैं और सीखना चाहता था, पढ़ना चाहता था,
फिर मैंने दूसरे लॉयर्स के पास जाकर सिफारिश की थी कि मुझे क्रिमिनल केसेस पर काम करना है। उन्होंने फिर मुझे खुद एक मौका दिया। वहाँ के लोग मुझे जानते थे, इसलिए मुझे मेरा पहला केस भी मिल गया। उस लॉयर ने कहा था कि पहला केस में सीधा आपको नहीं सौंप सकता, इसीलिए पहले कुछ केसेस आप मेरे साथ बैठ कर सॉल्व करो, आप मुझे असिस्ट करो। अब उस लॉयर की बात सुनकर मैं भी खुश था, तो मैं उनके पास काम करने चला गया। और फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर लोग मुझे नहीं जानते। मैं जब उस ऑफिस में एंटर करता हूँ तब मुझे कोई मुड़कर नहीं देखता, और कहीं ना कहीं मैं वो मिस कर रहा था। एक अनजान सी जगह पर मुझे मेरा पुराना समय याद आने लगा। वो जगह मेरे लिए थी नहीं। मैं वहाँ चुपचाप काम कर बहुत कुछ सीख पाता था, पर मैंने वैसा नहीं किया। मैं डर के वापस भाग आया और अपने ही लोगों में मैंने अपनी ज़िंदगी जीने की ठान ली। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे बीच बीच में धक्के आते रहे। मैं क्रिमिनल लॉयर बनने की बहुत सोचता था, पर फिर से नई शुरुआत करना, वो भी ऐसे समय पर, मुझे ठीक नहीं लगा। रवि की बीवी ये सब बातें सुनकर खामोश हो गई। उसने कहा कि तुमने मुझे ये बात कभी बताई क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। मेरे चाचा भी तो लॉयर हैं और वो तुम्हें अच्छी तरीके से जानते भी हैं। उनके साथ काम करके तुम खुश हो जाते और साथ ही साथ बहुत कुछ सीख भी पाते। अपने किसी दुख दर्द को अंदर दबाए रखने से वो दुख दर्द अच्छा नहीं हो जाता, बल्कि तुम उसे छुपाए रखते हो, इसीलिए वो और ज्यादा गहरा होता जाता है और तुम्हें उसका बहुत पछतावा होता है। रवि की बीवी ने अपने पति को हौसला दिया और कहा कि देखो रवि, इस सफर में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अब तुम्हारा वक्त और किस्मत बदलना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि अब इस सफर में मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ चुकी हूँ। सबसे पहले तो तुम कुछ हफ्ते शांति से सोचना और बहुत आराम करना, फिर हम मेरे चाचा के पास जाकर तुम्हारी सिफारिश करेंगे, और मैं जानती हूँ कि वो आपके काम को बढ़ावा जरूर देंगे। बदलाव ना होने के कारण रवि घुट घुट के मर तो रहा था, लोगों के सामने वो एक शेर जैसा नजर आता था, पर अकेले में वो एक चूहे की तरह रह रहा था। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि बदलाव लाना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे ही क्यों ना हो, पर ग्रो होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी लूप में अटक गए हैं दोस्तों, तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये सारे संकट आपकी सोच और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हैम्पर करते हैं। मगर आपका साथ देने के लिए अगर कोई दोस्त या आपका कोई पार्टनर है, तो शायद जिंदगी आसानी से कट जाती है। रास्ते पर कितना भी बड़ा संकट आए, अगर आपके साथ कोई सीना ताने खड़ा है, तो आप डर डर के नहीं रहोगे। डॉक्टर रोब अपनी किताब में कहते हैं कि बदलाव और कॉन्फिडेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में बदलाव हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। अगर जिंदगी में आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, तो छोटी छोटी चीजें सीखना और उन्हें सिखाना आपके कॉन्फिडेंस के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। अगले एपिसोड में हम कुछ तौर तरीकों के बारे में जानेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दोस्तों की मदद के जरिए अपना कॉन्फिडेंस और अपना हौसला बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, हमारे दोस्त हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। बचपन से लेकर आज तक आपने लगभग कितने दोस्त बना लिए हैं, जरा ध्यान से सोचिए, और ये भी सोचना कि उनमें से कितने दोस्त आज तक आपसे जुड़े हुए हैं। दोस्त तो कई तरह के होते हैं, कुछ लोग आपसे हमेशा जुड़े रहते हैं, मगर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कभी कभी हमसे बात करते हैं, लेकिन जब भी वो बात करते हैं ना, तो थोड़ा बेहतर महसूस होता है, क्योंकि ये वाले दोस्त हमेशा नहीं रहते या मिलते, पर इन दोस्तों से हमारा रिश्ता बहुत ही अटूट सा बन चुका होता है। हमें उनसे हमेशा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम जब उनसे मिलते हैं, तब खुले आम किसी भी मुद्दे पर कितनी भी देर बात कर सकते हैं, और ये बातें ऐसी होती हैं जो हम हमारे पार्टनर या हमारी फैमिली के साथ भी नहीं कर पाते। ऐसी दोस्ती हर किसी को नहीं मिलती, पर जिसे मिलती है वो इस दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान होता है। चलिए इसकी वजह जानते हैं। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं डॉक्टर रॉब यंग की द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, जिसे अडेप्ट किया है सागर खांडेकर ने। दोस्तों, मैंने जो इस एपिसोड की शुरुआत में सवाल किया था, क्या उसका जवाब आपको मिल गया? बताइए, अब तक लगभग कितने दोस्त बनाए हैं आपने? 20, 50, 100, 200, कितने? आप क्या सोचते हैं, अपनी जिंदगी में कितने दोस्त होना जरूरी है? क्वांटिटी से भरकर, ये तो आपने सुना ही है कि क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करती है क्वालिटी, तो ये केस आपके दोस्तों में भी अप्लाई होता है। क्वांटिटी से बढ़कर है क्वालिटी, फ्रेंडशिप। आप सबसे ज्यादा दोस्त बनाने से अच्छा ऐसे दोस्त बनाइए जिसके साथ रहकर आप बहुत फ्री महसूस कर सकें। डॉक्टर रॉब का ऐसा मानना है कि आप जिस तरह के दोस्त बनाते हैं, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करते हैं। उनकी ताकत
उनकी अच्छाइयाँ, ये सारी हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं उतर जाती हैं। इस कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो क्वालिटी डोज बनाइए, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रोत्साहित करें और आपकी जिंदगी जीने में और मजा आए। चलिए कुछ तौर तरीकों के बारे में जानते हैं। अब ये तौर तरीके आपको अपना कॉन्फिडेंस मोल्ड करने में और उसे स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेंगे। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने अंदर कोई भी बात छुपा के मत रखिए। मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो तो खुलेआम बात करो, हिचकिचाना मत। इसका सबसे पहला कारण यह है कि जब आप एकदम खुले होकर बात करोगे तब आपका मन साफ होगा, आपके दिमाग पर से प्रेशर हट जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आप कब रिलैक्स्ड हो गए। अक्सर हम हमारे परिवार या अपने पार्टनर से चीजें छुपाते हैं। डॉक्टर इसका कारण ये बताते हैं कि आप उन लोगों के साथ हमेशा रहते हो, इसीलिए शायद उनसे खुलकर बात नहीं कर पाते। पर दूसरी तरफ वो इंसान जो आपको कभी कभी मिलता है उससे आप बात करने में नहीं हिचकिचाते, तो इसकी वजह ये है कि वो इंसान आपको हमेशा नहीं मिलता, वो हमेशा आपके साथ नहीं होता, इसीलिए शायद खुलेआम उससे बातें कर पाते हैं आप। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कहीं ट्रैक पर जाते हैं या किसी के साथ ट्रैवल करते हैं तो हम ज्यादा फ्री होकर बात करते हैं। उन लोगों से हमारा कुछ दिनों या कुछ पलों का ही रिश्ता होता है, ये जानने के बाद भी हम उनसे बेझिझक खुलकर बातें कर पाते हैं। रॉब कहते हैं कि इंसानों की खासियत तो यही है, पास बैठे इंसान से दो शब्द नहीं बोल पाते पर दूर खड़े इंसान को देख चिल्लाने का मन बहुत करता है। हमारा दिमाग ऐसे ही बना है दोस्तों, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर ऊपर दिए गए एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ दूर खड़े हुए इंसान को देख चिल्लाने की कोई जरूरत जायज नहीं है और पास खड़े इंसान से अनजान रहना भी कोई सही बात नहीं। रॉब कहते हैं कि दोस्त कैसे भी हो पर वो हमें हमसे बेहतर परख सकते हैं, हमसे बेहतरीन नजर और नजरिया उनके पास होता है, वो भी शायद अपने आप को इतना परख नहीं पाते, पर इंसानों को दूसरों के लिए ही बनाया गया ऐसा लगता है। ऐसा होता है ना कि हम कितने आराम से दूसरों को देखे ओपिनियंस और कमेंट्स बहुत आराम से पास कर लेते हैं, थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं, खुद से बेहतर हम किसी और को बेहतर जान लेते हैं, किसी की कमियां किसी की खामियां हमें तुरंत ही दिख जाती हैं। रॉब कहते हैं कि लोगों को लोगों की जरूरत है, बात करना, साथ घूमना फिरना और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है, साथ वक्त गुजार कर खट्टी मीठी बातें करना बहुत आवश्यक है। रॉब का ऐसा मानना है कई दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें अपने दोस्तों से खुलेआम बात करने में बेचैनी होती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि आप किसी और के मुंह से अपने ऊपर की हुई अच्छी बुरी बातें सह नहीं सकते, फिर यह सुनकर शायद आप अपने दोस्तों पे ही उंगली उठा लो, इसीलिए इन सब चीजों से दूर रहना ही आप पसंद करते हो। पर फिर भी अगर आप खुले आम लोगों से बात करें, उनका नजरिया लेना चाहते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने दोस्तों को सामने बिठाकर उनसे खुले आम बात करिए और उनका नजरिया सुनने से अच्छा आप उन्हें किसी कागज पर अपनी सोच उतारने के लिए कहिए, और जब आपके दोस्त अपना नजरिया किसी कागज पर उतार दें तो उनसे कहना कि अपना नाम ना लिखें। इससे क्या होगा कि आपको नजरिया तो पता चल जाएगा और ये नजरिया किसका है ये आप पहचान नहीं पाएंगे। इस तरीके से आप अपने दोस्तों से जुड़े भी रहेंगे और उनकी गोपनीयता और अनोनिमिटी भी बनाए रखेंगे, उनका नजरिया आप पढ़ भी सकोगे और तो और अपने दोस्तों के प्रति आपके मन में कोई मनमुटाव भी पैदा नहीं होगा कि अरे इसने मेरे बारे में ऐसा लिखा था, ये तो ऐसा सोचता है। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये तरीका दुनिया में काफी प्रचलित है और सबसे बेस्ट माना जाता है, बल्कि कई सारी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर इन तौर तरीकों को आजमाने की राय भी दी है। तो अगर आपकी जिंदगी दोस्तों से भरी हुई है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं मियां, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, फोन उठाइए और अपने दोस्तों से बात करिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने थक जाते हैं कि एक कप चाय भी हमारे नसीब में नहीं होती, पर दुनिया में कई सारे डॉक्टर्स और खुद रब ने भी कहा है कि अगर हमें जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं ब्रेक तो लेना होगा। आप भी जानते हैं कि एक साथ हम पूरा पहाड़ तो नहीं चढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं आराम करने की जरूरत तो होती है ना। अरे किसी पिक्चर में इंटरवल तो होता ही है ना, वैसे ही अपनी जिंदगी में भी ऐसे इंटरवल्स को अपनाना सीखिए। 10 कदम आगे बढ़ना है तो 5 कदम बाद रुक के 2 बूंद पानी पी लेंगे, कोई तुम्हें मारेगा नहीं, थोड़ा रुक जाओगे तो शांति पैदा होगी और ये शांति आपको आगे के 5 कदम बढ़ाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में हम और तौर तरीकों की बात करेंगे और जानेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ावा कैसे मिलता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कॉन्फिडेंस के टाइप्स होते हैं? जी हाँ, कॉन्फिडेंस सिर्फ आपके हालचाल पर डिपेंड नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंट रहने के कई और तौर तरीके होते हैं। आप खुलेआम दिल खोलकर लोगों से बात कर पाते हो,
ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप अपनी जिंदगी में कैसे इंसान बनना चाहते हो इस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस टाइप चेंज होता है। चलिए सीखते हैं और जानते हैं कि कॉन्फिडेंस के कितने और टाइप्स होते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं डॉक्टर रॉब यंग की लिखी हुई द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट की बुक समरी। इस समरी को लिखा है सागर खांडेकर ने। शुरुआत के एपिसोड में हमने जाना कि दो तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं, इनवर्ड इमोशनल कॉन्फिडेंस और आउटवर्ड सोशल कॉन्फिडेंस। आप अपने बारे में क्या सोचते हो और आप अपनी कितनी इज्जत करते हो, इससे आपका इनवर्ड इमोशनल कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड होता है। अगर आपको कोई गलती से बुरा कह दे और आप मायूस हो जाओ, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपका इनवर्ड इमोशनल कॉन्फिडेंस लो है। आप बहुत मासूम किस्म के इंसान हो, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस लो होने के कारण आप खुलेआम किसी से बात नहीं कर पाते। जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक से काम नहीं करती। पर दूसरी तरफ अगर आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस हाई है, तो आप अपने आप से खुश रहते हो, आप अकेले में बेचैन नहीं होते, आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करने लगते हो, और तो और खुलेआम लोगों से बात करने में अब बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो आर पार हो जाती। कॉन्फिडेंस हाई होने का सबसे बड़ा नतीजा ये होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाती है। आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस लेवल आपकी जिंदगी में आपकी बहुत मदद करता है। अगर आपका काम बिजनेस रिलेटेड है, तो इमोशनल कॉन्फिडेंस हाई होने की वजह से आपको वहां भी कामयाबी नसीब हो सकती है। रॉब यंग कहते हैं कि ये सारी चीजें जो आपके अंदर हो रही हैं, ये सब आपके दिमाग का खेल है। जी हाँ दोस्तों, ये दिमाग बहुत ही चालाक है, इसे काबू में रखना बहुत मुश्किल होता है। आजकल की मॉडर्न दुनिया में तो अपने दिमाग को किसी जगह पर फोकस रखना और मुश्किल हो गया। अब इस दुनिया में कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? याद रखना दोस्तों कि ये दिमाग आपको गहराई दिखा सकता है, पर अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सके और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाकर अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, तो यही दिमाग आपको ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। चलिए सीखते हैं कि अपने आप को और ताकतवर कैसे बनाएं। डॉक्टर रॉब यंग कहते हैं कि किसी भी चीज को सही तरह कैसे अप्रोच करना है, ये सीखना चाहिए। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कन्वर्ट करना सीखना चाहिए। इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल एक डांसर है, पर आज के दिन उसे डांस करने का मन नहीं कर रहा। वो आज के दिन बहुत आलसी महसूस कर रहा है। सुबह से लेकर दोपहर तक वो अपने बिस्तर पर ही लेटा रहा। फिर दोपहर को उसे कुछ खाना खाने का मन हुआ, तब उसने बाहर से खाना मंगाया। वो रोज अपना खाना खुद बनाता था। आज के दिन उसका आलस बहुत बढ़ चुका था। अंदर ही अंदर वो अपने आप को कहता था, आज मुझे डांस करना है। पर उसका दिमाग उसके साथ कुछ अलग ही खेल खेल रहा था। उसने खूब खाया और बिना कोई हलचल के उसी जगह पर सो गया। जब शाम को राहुल की आंख खुली, तब उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। बाहर के खाने का असर उस पर दिखना शुरू हो गया। फिर अब तो उसे अपने बिस्तर से उठना ही पड़ा। मजबूरी में उसे यहाँ वहां कदम बढ़ाने ही पड़े। फिर जाकर उसका पेट हल्का हुआ। अब तक सूरज ढल चुका था, शाम हो चुकी थी और राहुल कहीं ना कहीं तंग हो चुका था, क्योंकि दिन भर वो बस बिस्तर पर लेटा रहा। उसे कहीं ना कहीं बहुत दुख हो रहा था। फिर आखिरकार रात 9 बजे उसने ठान ली, कमरे के बाहर निकला और अपने टेरेस पर जाकर नाचने लगा। जो चीज वो सुबह से करना चाहता था, वो अब जाकर पूरी हो रही थी। सुबह उठकर वो अगर डांस करता था तो उसका मन खुश रहता था और दिन भर वो दूसरे काम करने में बिजी हो जाता था। पर अब वो पछतावे में नाच रहा था और धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। उसका मूड बदल गया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर खुशी जाने लगी। आपका इनवर्ड इमोशनल कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करना एक कला है दोस्तों, और वक्त के साथ ये कला सीखी जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की और जानते हैं कि कैसे हमें लोगों से बात करनी चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। लोगों से खुलेआम बात करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप बहुत ही अकेला रहना पसंद करते हो, तो फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि आपको लोगों की संगत में रहना चाहिए। उनकी संगत में रहने से आप अनजाने में कई सारी चीजें सीख लेते हैं। वो चीजें कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी होती हैं। पर हम अगर अपने जिंदगी को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो लोगों से बात करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं डॉक्टर रॉब यंग की लिखी हुई द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट। अक्सर हम हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कुछ अलग ही किस्म का एटीट्यूड लेकर घूमते हैं। जैसे अगर आपने किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखा हो, तो आप उनके बात करने के तौर तरीके और उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर अगर अपनी पर्सनल जिंदगी में अगर आप अपने आसपास के लोगों से ही बात करने में हिचकिचाते हो,
तो ये एपिसोड आपके लिए बना है। चलिए जानते हैं कि लोगों से बात करना क्यों हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है इसकी। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो या शाई किस्म के इंसान हो, तो आपको ये समझना है कि हमेशा अकेले अकेले रहने से और लोगों को इग्नोर करने से कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर रोब ये नहीं कहते कि आप अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर दो, वो कह रहे हैं कि आप अपना नजरिया बदलिए। जैसे मान लो कि अगर आप हमेशा एक ही तरीके का खाना खाते हो, रोटी और सब्जी बस, आपने अपनी जिंदगी में और कुछ खाया ही नहीं हो, तो आपको पता कैसे चलेगा? आखिर हम सब स्वाद के मारे हैं। अच्छा खाना बिल्कुल किसी नई जगह पे घूमने जैसा ही तो है। जैसे नई जगह पर घूमने से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, वैसे ही लोगों से बात करके लोगों को असर हम पर भी पड़ता है। रॉब कहते हैं कि अगर आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, तो शुरुआत अपने लोगों से करो। आपके बचपन के दोस्त, आपके भाई बहन से ओपनली बात करना शुरू कीजिए। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अपने लोगों से बात करने में हम ज्यादा नहीं हिचकिचाते, इसीलिए शुरुआत अपने लोगों से कीजिए। पर सिर्फ यहीं मत अटक जाइए, अपने गली से बाहर निकलना जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें अपना अप्रोच पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच होने से लोग आपसे भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। अच्छा बात करने वाले लोग आजकल मिलते ही कहाँ हैं? तो अगर आप हर किसी समस्या को एक पॉजिटिव अंदाज से देखते हैं, तो आपके आसपास खड़े लोग भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और साथ ही साथ उनसे बात कर आप उनकी कई सारी चीजें सीख सकते हैं, उनसे इनडायरेक्टली अडेप्ट कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव अप्रोच होने से आपका दिमाग भी बेहतर सोचने लगेगा, और फिर लोगों से बातें करने में आपको बहुत आसानी होगी। डॉक्टर कहते हैं कि अपनी जिंदगी में हमेशा एक गुड लिस्नर बनने की कोशिश कीजिए। अगर अपनी अपनी धुन में लोगों से बातें करते जाओगे, तो एक पॉइंट के बाद लोगों का इंटरेस्ट तो छूट ही जाएगा। तो इसीलिए उन्हें जो पसंद है उन चीजों के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, यानी कि उनके इंटरेस्ट की बातें। ये बात समझ लीजिए दोस्तों कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपको एक अटूट रिश्ता बनाना है, तो आपको एक गुड लिस्नर बनना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने इस किताब में लोगों से बात करने के लिए कई सारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग आसानी से बात नहीं कर पाते, उन्हें मदद की जरूरत होती है। तो इन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को आजमा कर आप लोगों से बात कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि हम लोगों से बात क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम अनजानों से घंटों बात कर पाते हैं, पर अपनों से दो शब्द भी ठीक से नहीं कह सकते? और अगर आप ऐसे इंसान है जो रात रात भर जागता रहता है, तो आप में एक अलग ही एटीट्यूड जन्म लेता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब आप में से कुछ लोग जागे रहते हैं। आपको शायद रात का मौसम और रात की शांति रोमानी लगती होगी, आपके दिमाग में अलग ही धुन बजने लगती है, और आप उस समय को बहुत ही इंजॉय करने लगते हो। डॉक्टर रोब कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें दिन पसंद होता है, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें रात ज्यादा पसंद आती है। अब इन लोगों का कॉन्फिडेंस भी अलग अलग होता है। डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि अगर कोई रात में अकेले रहना पसंद करता है, तो वो इंसान भी बहुत कॉन्फिडेंट है। कोई अगर लोगों से बातें नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप अपने आप में खुश रह सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपने थॉट्स कंट्रोल ही नहीं कर पाते, वो बेचैन हो जाते हैं। तो फिर अब सवाल ऐसा उठता है कि अगर आपको रात में जागना पसंद है, तो लोगों से बात करना जरूरी है क्या? डॉक्टर रॉब बड़े ही सिंपल शब्दों में इस सवाल का जवाब देते हैं, और कहते हैं कि मैं अकेले रहने के और लोगों से बात करने के अपने अपने फायदे होते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हो, तो आप जो भी रास्ता अपना लो, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इस दुनिया में दोस्तों ऐसे भी लोग होते हैं जो अकेले रहकर बहुत ग्रो करते हैं, पर अगर कोई इंसान उन्हें कुछ हल्का सा बुरा भी कह दे, तो वो मायूस हो जाते हैं, और उनकी बातों का असर आपके कॉन्फिडेंस पर हो जाता है। तो इसीलिए सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऐसा है कि आप अगर अपने आसपास कुछ ऐसे लोग बनाए रखें जो आपके हर काम को बढ़ावा देने के साथ साथ आपको उस काम की कमियां और खामियां भी बताएं, तो दूसरे लोगों की हल्की फुल्की बातों का असर आपके दिमाग पर कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझना ये है कि लोगों से बातें करना कोई बुरी बात नहीं है। अभी आपके पास अपनी अपनी वजह होंगी जिससे आप लोगों से बातें नहीं करना चाहते, पर दुनिया में लोग इतने भी बुरे नहीं है यार। कुछ 4-5 लोगों ने बुरा कह भी दिया, तो सभी लोगों से दूर रहना सही तो नहीं? आखिरकार लोगों को लोगों की जरूरत है। हम कितने भी अकेले रहने पर कभी ना कभी हमें लोगों की जरूरत तो पड़ती है ना। शुरुआत में बातें करने से आप थोड़ा हिचकिचाओगे, पर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोगों की संगत का असर आप पर बहुत पड़ता है। आप अगर एक गुड लिसनर बनकर रहेंगे, तो उन्हें भी आपसे बातें करने में दिलचस्पी होगी, और देखते ही देखते आप बदल जाओगे। तो अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो दोस्तों?
अब बिना हिचकिचाए शुरुआत करने की बारी है। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ और अपने आप को बदलते हुए देखो। अगर आप कॉन्फिडेंस की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो कॉन्फिडेंस भी आपसे हाथ मिलाएगा। अब ये वाली ताली दोनों हाथ से बजेगी। आगे जाकर हम अपने बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे जिससे हम और ताकतवर बन सकते हैं। हमारे दिमाग को समझने के लिए एक बेहतर इंसान बनना आसान हो जाता है। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जो अपने बारे में हैं वो आप बन भी सकते हैं? अगर अपने सपने में आप खुद को कुछ बड़ा बनते देखते हैं तो वो सच भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि अपनी सोच को हकीकत में कैसे बदला जाता है। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं डॉक्टर रॉब यंग की लिखी द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या एथलीट हो जो अपना बेस्ट देना चाहता है, या शायद आप कोई डांसर हो, एक्टर हो या कोई म्यूजिशियन जिसे पूरी दुनिया को अपनी कला दिखानी है, या आप एक मिडिल क्लास जॉब करने वाले इंसान हो तो जो अपने जॉब से पहले प्रैक्टिस करना चाहता है, मेंटली प्रिपेयर होना चाहते हैं, चलिए देखते हैं कि हम कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो डॉक्टर रॉब कहते हैं कि वो जो भी करने जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना सीखना चाहिए। यानी कि हम जो भी अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उससे पहले हमारे पास एक पैराडाइम हो, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, हमारे गोल्स क्लियर हो और हम उनको कैसे अचीव करेंगे उसके लिए प्रैक्टिस करें। जैसे कि समझिए कि अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू है तो उस इंटरव्यू पे सामने वाला हमसे कौन से सवाल कर सकता है उसके बारे में आप सोच।
और साथ ही साथ उसे आंसर भी करने की प्रैक्टिस करिए। जब एक्चुअल में अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, हम और ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं। याद है जब हम स्कूल के एग्जाम में प्रीलिम्स देते थे, तो वो एग्जाम देने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हम पूरा पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर पाएंगे। पर अब प्रैक्टिस करने के बाद डॉक्टर रॉब ऐसा कहते हैं कि आप अपनी प्रोसेस पर ही फोकस किया करिए, आगे जाकर उसका रिजल्ट क्या होगा ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सोचने से हमें और टेंशन ही तो मिलेगी, हम अपना संतुलन खो सकते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज की प्रिपरेशन करो तो बस प्रोसेस के बारे में सोचना और अपना बेस्ट देना, अंजाम क्या होगा इसके बारे में सोचकर आप अपने ही दिमाग के रचाए जाल में फंस जाएंगे। आप जब अपनी सक्सेस को इमेजिन करते हैं तो वो आपकी लास्ट स्टेज होनी चाहिए, मतलब जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, प्रोसेस पर फोकस करेंगे और अपना बेस्ट देना सीख जाएंगे, तब आपको हक है कामयाबी के बारे में सोचने का। मतलब अब आप कामयाबी के बारे में कभी भी सोच सकते हैं, पर प्रिपेयर और प्रोसेस करने के बाद अपने सपने पूरे होंगे इस बात का कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। रॉब कहते हैं कि जिंदगी जीना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, बस कुछ तौर तरीके समझ जाओ तो आप भी ऐशो आराम से अपनी जिंदगी काट सकते हो। साथ ही साथ रॉब ये भी कहते हैं कि अगर आप एक बार में मेंटली प्रिपेयर होकर अपना बेस्ट देने का फंडा समझ लो तो आगे जाकर आपकी ये प्रोसेस भी क्विक होती जाएगी, हमेशा आपको शायद प्रिपेयर करने की भी जरूरत ना पड़े, आप इस चीज के मास्टर बन जाते हो। अभी एग्जाम्पल के लिए आप किसी जिम जाने वाले इंसान को ही देख लो, वो इंसान रोज जिम जाता है, अपना बेसिक वार्म अप करके एक्सरसाइज करता है और फिर स्ट्रेचिंग करता है। ये एक्सरसाइज करने का तरीका पूरी दुनिया में आजमाया जाता है। तो अब कुछ लोग जिम करके इतने बेहतरीन बन जाते हैं कि उन्हें इस एक्सरसाइज की आदत हो जाती है। अगर उनकी आंखों पर पट्टी लगा दी जाए ना तो भी वो आराम से अपनी जिम की सारी एक्सरसाइज किसी भी कोने में जाकर कहीं से भी किसी भी इक्विपमेंट के साथ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि उनके दिमाग में एक मेंटल मैप बन चुका होता है। वैसे ही जब आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो ये मेंटल मैप आपके दिमाग में और पावरफुल बनते जाता है, पर इस मेंटल मैप पर कंट्रोल रखना भी जरूरी है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर ने कई ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिनका दिमाग उन्हें धोखा दे रहा था, वो अपना संतुलन खो बैठे थे, उनके बदन में बेचैनी छाई थी। उन्होंने हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए। वो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। अगर आपका दिमाग सही जगह पर ना हो तो आपके दिमाग पर डर का घना बादल छा जाता है। इस डर को डॉक्टर मेलिसा मेंटल मॉन्स्टर भी कहती हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख पाते, अपनी सोच काबू में नहीं रख पाते। डॉक्टर के कई ऐसे ऐसे पेशेंट थे जिन्हें अपने सपनों में खौफनाक चीजें दिखाई देती थी। उन्हें कभी कभी नजर आता था कि वो आसमान से गिर रहे हैं और उनकी मौत होने वाली है। कई पेशेंट्स ऐसे भी थे जो खुद पर हमला होते देखते थे। उनके सपनों में उन्हें नजर आता था कि कोई जानवर उनका पीछा कर रहा है और उन्हें मारने के लिए तरस रहा है। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे कुछ ख्याल जो आपका दिमाग हिला देते हैं वो अक्सर आप ही की नजर की पैदाइश होते हैं। जैसे मान के चलो आपने टीवी में कुछ एनिमल प्लैनेट वगैरह देखा हो तो इस वजह से आपको कुछ मर्डर के ख्याल आ सकते हैं। वायलेंस अक्सर हमारे दिमाग में असर करता है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए डॉक्टर ने एक कंपनी को अप्रोच किया जो ऐसे लोगों को हैंडल करना जानते थे। हंट एंड कंपनी नाम की ये कंपनी लोग आपके दिमाग में छुपे मेंटल मॉन्स्टर को भगा देते हैं। यस, हंट एंड कंपनी रीस्क्रिप्टिंग पे काम करती है। रीस्क्रिप्टिंग आपके थॉट्स को रीडेवलप करती है। सोचो अगर किसी को सांप से डर लगता हो तो ये लोग उसकी थिंकिंग को टारगेट करते हैं। वो आपके एक कमरे में बैठकर सामने एक पिंजरे में सांप को रख देते हैं। आप ऑब्वियसली डर जाओगे, आंखों के सामने सांप देखकर कोई भी डर जाएगा। पर अभी वो पिंजरे में था तो खतरा कम था, पर उस आदमी को डर सांप का था। तो इन डॉक्टर्स ने उन्हें सांप की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन वो इंसान तो बहुत डरता था, इसीलिए कुछ देर तो वो जगह से हिला ही नहीं। डॉक्टर साहब कुछ खाना लेकर आए और उस आदमी से कहा कि जाओ उसे खिलाओ। आदमी ने बहुत मना किया पर फिर डॉक्टर ने खुद सांप को खाना दे दिया। उस सांप को खाते हुए देख आदमी की सोच थोड़ी बदल गई। धीरे धीरे उसने सांप की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। फिर देखते ही देखते उसका डर कम हो गया, वो आदमी सांप की तरफ बढ़ता चला गया। फिर इस एक्सपीरियंस के बाद उस आदमी को भी बुरे सपने नहीं आए। तो दोस्तों और बातें होंगी ऐसे ही मुद्दों पर, चलते हैं अगले एपिसोड पर जहां हम जिक्र करेंगे नेगेटिविटी के ऊपर। शंकर नाम का एक इंसान सुबह सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकलता है और तब उसके नए स्त्री किए हुए व्हाइट शर्ट पर एक कबूतर पॉटी कर देता है। ये देखकर शंकर का मूड ही खराब हो जाता है। सुबह सुबह शंकर खुश था पर फिर कबूतर ने उस पर पॉटी करने के बाद उसका मूड पूरा खराब कर दिया। तो उसने सोचा कि आज का दिन तो खराब ही हो गया, और ताज्जुब की बात यह थी कि आज उसके नए जॉब का पहला दिन था। तो इस वजह से वो और दुखी हुआ। वो अब सोचते सोचते आधे रास्ते आ चुका था और वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसका पहला दिन था इसीलिए वो ऑफिस के लिए लेट भी नहीं होना चाहता था। फिर ट्रैफिक होने की वजह से उसने टैक्सी लेना ठीक नहीं समझा, तो वो पैदल पैदल अपने ऑफिस की तरफ चलता रहा। रास्ते पर चलते चलते ही उसे
कई सारे ख्याल आने लगे। वो पहले सोचता रहा कि मैं कैसे अपने ऑफिस में जाकर लोगों को सॉरी कहूंगा। फिर जैसे रास्ता मुड़ा उसकी सोच बदल गई। वो थोड़ा ओवरथिंक करने लगा और वो सोचता रहा कि अगर मुझे पहले ही दिन ऑफिस से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, मेरे घरवाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे आगे जाकर कोई जॉब मिलेगी भी या नहीं, ये जॉब बड़ी मुश्किल से मिली है। ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में मंडराते रहे। जब तक वो ऑफिस पहुंचा तब तक उसका बदन गर्म हो चुका था। जैसे वो ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा था उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। जैसे ही उसने ऑफिस का दरवाजा खोला तो वो खड़ा का खड़ा रह गया। वो जगह पर फ्रीज हो गया। उसे लगा उसके बॉस सामने डंडा लेकर खड़े होंगे और उस पर बहुत चिल्लाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब अपने काम में बिजी थे और शंकर ने थोड़ी चैन की सांस ले ली। फिर कोई और अपने पर उंगली उठा दे उससे अच्छा शंकर ने खुद ही अपने बॉस को जाकर सब सच बताने की ठान ली। उसके बॉस ने सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा कि ठीक है यार, होता रहता है, कल से ध्यान रखना। अपने बॉस की ये बात सुनकर शंकर बहुत शांत हो गया। एक गहरी सांस ली उसने। उसके सर से जैसे अचानक से मंडराते हुए बादल छा गए। बेचैनी थी सब उड़ गई। उसने वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोया और अपने ही ऊपर हंस पड़ा। कमाल है ना दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हम कितना ज्यादा खुद ही के दिमाग में कहानियां गढ़ लेते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती भी नहीं जितना बड़ा हम उसे बना लेते हैं। जब आप अपने बारे में ज्यादा बुरा सोचने लगते हो तो इसका मतलब आपका दिमाग हेल्दी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब आप नेगेटिव सोचते हो तब आपका दिमाग स्टेबल नहीं होता। बुरी सोच अक्सर कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर देती है। डॉक्टर रॉब अपनी किताब में कहते हैं कि नेगेटिविटी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बुरा सोचना ये तो एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। रॉब कहते हैं कि हम नेगेटिविटी को पूरी तरह हटा तो नहीं सकते पर उसे लिमिट में रखना सीख सकते हैं। चलिए अब सीधा इस समस्या को सुलझाना कैसे है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स मेंशन करूंगा। उतनी कौन सी चीजें हैं आपने कितनी बार अपने बारे में कही हैं ये सोचिएगा। सबसे पहला पॉइंट, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि मैं सोचता हूं। अक्सर हम बुरा होने पर ऐसा सोचते हैं दोस्तों, एग्जाम में फेल हो जाए या किसी कॉम्पिटिशन में हार जाए तो एक पॉइंट पर मैं शायद उतना अच्छा ही नहीं हूं, मैं तो वर्थ इट ही नहीं हूं, ये थॉट आ ही जाता है। इसी के साथ साथ मैं एक बुरा दोस्त हूं, मैं एक बुरा बेटा हूं, मैं बुरा बाप हूं, ये सारी चीजें भी आपको नहीं करनी चाहिए। अपने बारे में कुछ भी बुरा बोलोगे तो उसका असर आपके दिमाग के ऊपर होगा ही। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जो अपने बारे में सोचते हो या बोलते हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, और अगर आपका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर हो तो आप कॉन्फिडेंट नजर आते हो, और अगर वो खराब हो तो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारना जरूरी है। और दोस्तों आप अभी तक जान ही गए होंगे कि ये सारी चीजें एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। अगर आप अच्छा सोचोगे तो वो आपके हालचाल में भी दिखेगा, और अगर आपकी हालचाल प्रॉपर होगी तो आप कॉन्फिडेंट नजर आओगे। अगर कल कोई आपको अपनी हालचाल पर बुरा कह दे तो शायद आपकी सोच बदल सकती है और वो आपके कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट कर सकती है। तो अगर ये सारी चीजों से बचना है तो अपने दिमाग को स्टेबल रखना सीखना होगा। अगर आपका दिमाग स्टेबल होगा तो ये सारी चीजें होने से टल सकती हैं। अपना इनवर्ड इमोशनल कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब अगले एपिसोड में हम अपने आप को एक्सेप्ट कर चेंज कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हमारी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जो कि आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक सबसे बड़ा जरिया है। इसे अगर आप पॉजिटिव तरीके से समझ लें तो अपनी जिंदगी की मंजिल आप इस डिसीजन से बदल सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं डॉक्टर रॉब यंग की लिखी द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, जिसे अडैप्ट किया है सागर खांडेकर ने। अब इस किताब के जरिए डॉक्टर हमें एक तरीका बताते हैं, एक ऐसा तरीका जो आपको अपनी नेगेटिविटी भगाने में मदद करे। यह तरीका बड़ा ही साधारण है दोस्तों, कुछ लोग इस तरीके के बारे में जानते हुए भी अपनी समस्या सुलझा नहीं पाते। तो अब डॉक्टर रॉब एक एग्जाम्पल के साथ उस समस्या को सुलझाना कैसे है इसकी भी वजह बताते हैं। ऐसा सोच लो कि आप अभी ऑफिस से घर आए हो और आज का आपका दिन बहुत ही हैक्टिक गया है, इसीलिए आप थक गए हो। तो अब आप घर आते हो, अपनी चप्पल उतारते हो और खुद से कहते हो कि मैं थक गया हूँ, मैं बाहर से खाना मंगवा लूंगा और सो जाऊंगा, अपने कपड़ों को इस्त्री में कल सुबह ही कर लूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि जब आप खुद से ऐसी बातें करते हो तो आप उन चीजों पर भरोसा करने लगते हो। आप जानते हो कि आप थक गए हो और आप में कोई भी काम करने की ताकत नहीं है, पर हम जब इस बात को खुलेआम कहते हैं तो हम उस पर भरोसा करने लगते हैं। तो डॉक्टर रॉब कहते हैं कि हमें कभी भी अपने आप के बारे में बुरा या नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर का ऐसा मानना है कि जब आप अपने बारे में अच्छी चीजें बोलते हो तो अच्छा ही होता है। जैसे मान लो कि आप ऑफिस में थक कर घर आ गए और आपको बिस्तर पे लेट सोने का मन है, तो ये सब करने के बजाय डॉक्टर कहते हैं कि आप खुद से बातें करिए। आप खुद से कहना कि मेरे में अब भी ताकत बाकी है, मैं अपने घर के काम कर सकता हूँ और साथ ही साथ खाना खाने के बाद मैं नीचे टहल कर भी आ सकता हूँ। तो अब आप खुद से ये करोगे
तो आपका दिमाग भी यही सोचने लगेगा और वो आपसे यही चीजें करवाएगा। वो लोग कहते हैं ना, आप जो बोलते हो वही आप बनते हो। ये बात झूठ नहीं है। अगर आप डेली लाइफ में मैनिफेस्ट करना सीख गए तो आपका नेक्स्ट स्टेप आपके फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना है। जैसा आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने तौर तरीके बदलकर अपना दिन सुधारते थे, वैसे ही अब आप खुद के बारे में अच्छा बोलकर अपने फ्यूचर को टारगेट करना। अक्सर लोग जब अपनी जिंदगी में किसी बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो वो अपनी मंजिल भूल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपका दिन खराब निकल रहा है और आप जो चाहते हो वैसा कुछ भी ना हो रहा हो तो आप गिव अप मत करना। अपनी जिंदगी में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, लेकिन डॉक्टर रॉब कहते हैं कि रात को सोते वक्त आप अपनी मंजिल याद करिए। आप फिलहाल कहाँ हो और आप यहाँ से कितनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो, इसके बारे में सोचना। देखते ही देखते आपकी नजर बदल जाएगी। बुरे हालातों से भी आप खुश रहना सीख जाओगे, धीरे धीरे ही क्यों ना हो, पर आप जैसे इंसान बनना चाहते हो उसकी तरफ बढ़ने लगोगे। और ये सब तभी होगा जब आप अपने बारे में अच्छा बोलोगे। कुछ लोग कहते हैं जो अपने बारे में अच्छा बोलकर भी अच्छा नहीं बन पाते, वो अपने आप को कोसते रहते हैं, मुझे ये नहीं होगा, मुझे वो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगी। ऐसे कहकर वो अपने आप को किसी गहराई की तरफ खींच लेते हैं। तो डॉक्टर रॉब इस समस्या का भी हल सुलझाने का तरीका बताते हैं, पर इस थ्योरी पे बारीकी से चर्चा होगी अगले एपिसोड में। ये तरीका बहुत ही मामूली सा, बहुत ही पिद्दी सा लग सकता है, पर यही तरीका आपको आपकी गहराई से डूबने से बचाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर। क्या आपने कभी अपनी बुराई की है, या कभी किसी ने आपको बुरा कहा है? आप जानते हो कि कोई अगर आपको बुरा कहे तो उसका असर आप पर कितना होता है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोग हमें बहुत कुछ बुरा कह देते हैं, ताने मार देते हैं, पर हम उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। डॉक्टर कहते हैं कि सबसे ज्यादा ये मायने नहीं करता कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा ये मायने रखता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी जाना कि जो हमें सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, इसीलिए अपने बारे में जब आप बुरा सोचते हो तो आपके साथ भी बुरा ही होने के चांसेस होते हैं। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए डॉक्टर रॉब हमें एक और तरकीब बताते हैं। इस तरकीब के जरिए हम किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, वो कहते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़े से बदलाव कर कॉन्फिडेंस को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अपने आप को परख कर हम किसी भी जंगल के राजा बन सकते हैं। तो अब आते हैं हमारी सबसे बड़ी समस्या पर, जिसे हम गिल्ट के नाम से भी जानते हैं। गिल्ट यानी पछतावा। जब हम अपने बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, जैसे कि मैं एकदम बुद्धू हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होगा और मैं जिंदगी में सिर्फ एक लूजर बन के रहूंगा, मेरा नसीब ही खराब है, ये सारी चीजें जब आप खुद से कहते हो तो आपका वो पछतावा होता है और उस पछतावे का असर आपके दिमाग पर होता है। तो ये सब ना होने के लिए डॉक्टर रॉक हमें एक बड़ी ही खूबसूरत तरकीब बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप खुद से ऐसी बातें करते हो तो बस परख लेना कि कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाता है। जैसे कि मान लो आपने कहा कि मैं एकदम बुद्धू हूँ या मैं एक लूजर हूँ, तब आपको शायद बुद्धू या लूजर ये शब्द दर्द पहुंचा सकता है। डॉक्टर हमें कहते हैं कि ऐसे शब्द अगर आपको परेशान करें तो आप उन शब्दों को बार बार दोहराया करो। जैसे कि अगर आपको बुद्धू ये शब्द बहुत दर्द पहुंचाता है तो आप बार बार यही शब्द दोहराते रहना और 30 सेकंड बाद शब्द का असर खत्म हो जाने लगेगा। चलिए आजमा के देखिए। अब आप कहेंगे कि वाह भाई, ऐसे थोड़ी होता है, एक शब्द को बार बार दोहराने से उसका मतलब थोड़ी बदल जाएगा। डॉक्टर इसका उत्तर ऐसा देते हैं कि जब आप कोई शब्द बार बार दोहराते हो तो उसका मतलब नहीं बदलेगा, पर उस शब्द का असर जो आप पर हो रहा था वो अब कम हो जाएगा। क्योंकि बार बार दोहराने से आप ये सोचने लगोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये शब्द बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, इससे क्या होगा। तो दोस्तों यही थॉट आपका पैटर्न ब्रेक करेगा। कुछ समझे? समझ लो कि आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा और दिन के अंत में आप कुछ अच्छा सा आइसक्रीम खा लेना चाहते हैं, और तभी आपका मूड बदल जाता है, क्योंकि आइसक्रीम खाने से आपके दिमाग पर असर होता है और उससे आपका जो दिन भर का गुस्सा है या पछतावा है वो दूर हट जाता है। डॉक्टर रॉब इस थ्योरी को एक्सेप्टेंस थ्योरी भी कहते हैं। एक बार अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे फिर बाकी कोई भी आपको नीचे नहीं खींच पाएगा, आप उस गहराई में कभी गिरोगे ही नहीं। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि आप अपने बारे में जो भी सोचते हो वो बस एक मनगढ़ंत कहानी है। हम अक्सर खूब ज्यादा ही सोचते हैं, पर हमें अपने सारे थॉट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन के अंत में वो बस एक थॉट है। जो आप अपने बारे में सोचते हो वो सच में हुआ तो नहीं और होगा भी नहीं, अगर आप पॉजिटिव रहना सीख जाओगे। ध्यान रखना, डॉक्टर रॉब ने कहा था कि जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वही आप बनते हो। डॉक्टर रॉब हमें एक और तरीका बताते हैं जिससे हम इस जाल से बच सकें। वो कहते हैं कि जब जब आपको नेगेटिव थॉट्स आए तब तब आप खुद से बातें करना, जैसे कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मुझसे कुछ नहीं होगा,
या मुझे लोग इस जिंदगी में हमेशा रुलाते रहेंगे। अगर ऐसे कुछ ख्याल आपके मन में आ रहे हैं तो आप उसे सुधारने के लिए कह सकते हैं कि ये सारे ख्याल बकवास हैं, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस आज का दिन बुरा है इसीलिए मुझे ये सारे थॉट्स आ रहे हैं। हमने क्या किया, समझे? तो देखा आपने कि हमने क्या किया, आप समझ पाए? हमने अपने आप को मैनिफेस्ट किया। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं। आपको अपने विचारों से झगड़ना नहीं है, उनको टैकल नहीं करना है, उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना है, बस वो टेम्परेरी थॉट्स हैं, ऐसा समझना। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि हमको खुद को परखने की जरूरत है। एक बार खुद को परखने की आदत लग गई तो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स कम हो ही जाएंगे। जब भी कोई चीज या कोई सवाल आपके दिमाग पर कब्जा कर रहा हो और आपको गहराई की तरफ खींच रहा हो तो आप अपने आप से कुछ सवाल करना, कुछ ऐसे सवाल जो उस पैटर्न को ब्रेक कर दें। आप अपने आप से पूछना कि ये ख्याल क्या सच में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इसके बारे में सोचने से मैं पास में चला जाऊंगा, क्या मैं और दुखी फील करूंगा। जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप से ये सारे सवाल करने लगेंगे और इसकी आदत डाल लेंगे तो आपके बुरे विचार आपको कभी तंग नहीं कर पाएंगे। इस तरकीब को डॉक्टर साहब डिलीबरेट डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। आप अपना थॉट ब्रेक करना सीख जाएंगे। कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। इस दुनिया में कई सारी चीजें हैं जो आपको अपना थॉट ब्रेक करने में मदद कर सकती हैं। जैसे कि आप कोई गाना सुन सकते हो, अपनी पुरानी तस्वीरें देख सकते हो, या बाहर जाकर कुछ खेल खेल सकते हैं। कोई भी चीज जो आपका मन बनाए रखे वो आपको करनी है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमें अपने बुरे विचारों से कैसे दूर रहना है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें हमेशा एक बेहतर इंसान बनने की चाह रखनी चाहिए, जिससे हम पॉजिटिव सोचने लगेंगे और देखते ही देखते हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप लोगों से बात करने से हिचकिचाते हो तो आप याद रखना कि आपको पाना क्या है, आपकी मंजिल क्या है। जब आप अपनी मंजिल दिमाग में रखकर लोगों से बात करोगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आओगे, आपका आउटवर्ड सोशल कॉन्फिडेंस इससे ही बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं डॉक्टर रॉब यंग की लिखी हुई द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट। इस समरी को अडैप्ट किया है सागर खांडेकर ने। हमने अभी तक जाना कि अपना इमोशनल और सोशल कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। डॉक्टर रॉब के कई सारे तौर तरीके आप जरूर आजमाइएगा और हमें बताइएगा नीचे कमेंट्स में लिख के कि कौन से तरीके वाकई आपके काम आए। चलिए अब बढ़ते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की तरफ। दोस्तों, हमने ये जरूर सुना होगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर ये उम्मीद ही कभी कभी आपको दुख पहुंचाती है। आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आप ज्यादा दुखी हो जाते हो, क्योंकि आप इस दुनिया से बहुत उम्मीद रखते हो, बहुत एक्सपेक्ट करते हो। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि उम्मीद रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आप जानते हो कि आप एक नेगेटिव किस्म की इंसान हो तो उम्मीद रखना शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद और नेगेटिविटी की कभी नहीं बनती। आपका दिमाग अगर पॉजिटिव है और आप अगर अपनी मंजिल पाने के लिए भूखे हो तो ही आपकी उम्मीद आपको तोहफा देगी। अगर आप लोगों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो याद रखना, आप उनके बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब हम किसी इंसान से बात करने जाते हैं तो ये सोचते रहते हैं कि वो इंसान हमारी बातों पर कैसे रिएक्ट करेगा, वो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड भी होगा या नहीं, वो हमसे बोर तो नहीं हो जाएगा। जब आप ऐसी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर रॉब कहते हैं कि जब भी आप किसी इंसान से मिलो तो उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव मत सोचना। दोस्तों, हम अक्सर एक चीज के ऊपर ओवरथिंक करके उस चीज का मजा ही बिगाड़ देते हैं। थोड़ा शांति से रहना भी जरूरी है। ज्यादा सोचने से जिंदगी में कुछ नहीं होता। थोड़ा शांति बनाए रखोगे तो पॉजिटिविटी अपने आप तुम्हारी गली में घूमने आएगी और कॉन्फिडेंस अपने आप निखर के आपकी जिंदगी बदल देगा। और साथ ही साथ डॉक्टर रॉब इस किताब के माध्यम से ये भी कहते हैं कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबसे पहले आप एक गुड लिसनर बनिए। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग जो सुनने से ज्यादा पटपट पटपट बोलते ही रहते हैं, उनको उसी में मजा आता है। और अगर आप उन सुनने वालों में से एक बन जाओगे तो आपको ही ज्यादा नॉलेज मिलेगी, आप डिफरेंट लगोगे, उनकी बातें सुनकर आप उनका भरोसा कमा लोगे। डॉक्टर कहते हैं कि जब भी आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो, दूसरों की बातें सुनते हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग ही पैदा होती है। आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए आपकी एंग्जाइटी जो है वो कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, किसी के लिए भी अच्छा करना आपका अपना स्ट्रेस कम कर सकता है। डॉक्टर रॉब इस किताब से हमें अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखने के लिए कई सारे तरीके बताते हैं। उनमें से एक तरीका ऐसा भी है, आप अगर स्ट्रेस में हो तो एक सॉफ्ट बॉल हाथ में पकड़ लो और उसे लगभग 30 सेकंड तक स्क्वीज करते रहना। इससे आपके बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिससे आप रिलैक्स फील करते हो। कभी कभी हम बहुत चिंता करते हैं इस सोच में कि दूसरों से क्या बात करनी है, तो रॉब कहते हैं कि हमें अगर ये ना पता हो कि लोगों से क्या बात करनी है
तो आप शुरुआत में उनसे उनके बारे में सवाल किया करो, उनसे पूछो कि वो क्या करते हैं, उन्हें क्या पसंद है, और ऐसे सवाल करना जिनका आंसर यस और नो में ना हो। उनके जवाब अगर लंबे होंगे तो आप उनसे और सवाल कर पाओगे, और अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो आप भी छोटे छोटे जवाब मत देना। जैसे कि मान लो कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो और आपने कहा कि मैं टीचर हूँ, तो अब बात आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी जगह डॉक्टर कहते हैं कि आप थोड़ा डिटेल में जवाब देना, जिससे सामने वाला आपसे और बातें कर पाए। आप कहोगे कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर बनने की सबसे खास बात यह है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ और साथ ही साथ मैं उनसे भी सीखता हूँ। जब आप डिटेल में सवाल जवाब करने का तरीका समझ जाओगे तो लोगों से बात करने में आपको आसानी होगी, और अगर वो इंसान और आपके ख्याल मिलते जुलते हो तब तो बात बन ही गई समझो। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे तब तक आप उन्हें जान नहीं पाओगे और आपकी पर्सनालिटी भी वो परख नहीं पाएंगे। लोगों को अपने जैसे लोग पसंद है, ये तो सभी जानते हैं, सबको अपने बारे में बात करना पसंद है। तो आप अगर लोगों से उनकी अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करोगे तो आपको भी उनसे बात करने में आसानी होगी। रॉब का ऐसा मानना है कि आपको अगर लोगों से रिश्ता बढ़ाना है तो उनसे हमेशा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी से बात कर रहे हो तो आप उनकी बातों पर रिएक्ट किया करो। उनकी नजर आप पर नहीं होगी पर उनका दिमाग आपके रिएक्शन नोटिस जरूर करेगा, और कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। तो आप बताओ दोस्तों, डॉक्टर के बताए सारे तौर तरीके सुनने के बाद भी कि अब आपको लोगों से बात करने में मुश्किल होगी? जरा बाहर निकलो और ये तरीके आजमा के देखो। हाँ, पर अब कुछ लोग होंगे जिन्हें लोगों से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप मायूस मत होना। लोगों से बात करते रहना, उनसे सवाल करते रहना, और आप जैसा कोई आपको मिल ही जाएगा। एक बार जब किसी के साथ कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाता है ना, तो उनसे खुल के बात करना मुश्किल नहीं होता। और अब अगर बात करें प्यार के बारे में तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, और कॉन्फिडेंस आपकी डेटिंग लाइफ में बहुत मायने रखता है। अगर आपका रिश्ता नया नया है तो खुल के बात करना मुश्किल हो सकता है। शुरुआत के समय में आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके रिश्ते को बनाए रखती है। जब आप अपने पार्टनर से आंखों में आंखें डालकर बात करोगे तो आप कॉन्फिडेंट नजर आओगे। अगर आप यहाँ वहां देखकर उनसे बात कर रहे हो तो शायद उनका मूड खराब हो जाए, उन्हें लग सकता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। हमेशा अपना पोस्चर ओपन रखिए। कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो अपने हाथ फोल्ड मत करिए, उन्हें लग सकता है कि आप इस कॉन्वर्जेशन से थोड़ा पीछे हट रहे हैं या प्रोटेक्टिव बन रहे हैं। अक्सर लड़कियों से कोई अनजान लड़का बात करने जाता है तो वो ऐसा पोस्चर पकड़ लेती हैं। अपनी जिंदगी में खूब ट्रैवल करना ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होने के साथ आपके चेहरे का डर हट जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप ट्रैवल करते हो तो आप प्रेजेंट में जीने लगते हो और आप फ्यूचर की चिंता करना बंद कर देते हो। इससे आपकी उम्मीदें कम होंगी और आपकी नेगेटिविटी भी हट जाएगी, और ट्रैवल करने से जो आपको एक्सपीरियंसेस आएगा उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही जाएगा। साथ ही साथ लोगों से बात करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होंगे, बहुत सारे किस्से। आप दूसरों से अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनसे जल्द से जल्द अच्छा रिश्ता बना पाएंगे। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहिए। वो चैलेंज फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी। फिजिकल चैलेंज में आप फिटनेस पे ध्यान रखोगे, और अगर आपको अपने आप को मेंटली चैलेंज करना है तो नए नए लोगों से मिलिए। अच्छे लोगों से मिलकर आप अपनी अच्छाइयाँ और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, और बुरे लोगों से मिलकर आप लोगों को हैंडल करना सीखेंगे। अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो शुरुआत में आपको थोड़ा दर्द हो सकता है, पर अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया तो आप उसे आराम से हैंडल कर लेंगे। फिर कोई भी नेगेटिव बात आपको तंग नहीं करेगी। तो बस दोस्तों, यही थी डॉक्टर रॉब यंग की लिखी हुई द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, जिसे अडैप्ट किया था सागर खांडेकर ने। आपका ये होस्ट और दोस्त देवांग फिर हाजिर होगा एक नई समरी के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और विषय पे, और साथ बढ़ते हैं आगे।